क्योंकि हमारे इंडिया में अगर कोई आदमी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है तो उसको पहले तो जिगर होना चाहिए और उसके बाद में वो जितने पैसे कमाता है उसको ये डॉक्यूमेंट्री में लगाना चाहिए। उसके ऊपर वो रिलीज करने के लिए करता है, उसमें एक नेक्स्ट बैटल आती है। लेकिन वॉरेन परेरा है, ये एक इन्होंने उस्ताद नाम के टाइगर को शूट करने स्टार्ट किया और उसकी ज़िंदगी के मोड में खुद ही उलझ गए। और आज जब इनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है, उस्ताद जयपुर के जू में अपना दम तोड़ दिया उसने, और उस उस्ताद के मेमोरी में हम ये फिल्म डेडिकेट करते हैं। मैं पहले बिट्टू सहगल जी से पूछना चाहूंगी कि ये टाइगर पे फिल्म बनना ही क्यों है? टाइगर पे फिल्म बनना क्यों है? क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि ये नेशनल एनिमल है, ये है वो है, लेकिन बात ऐसी है कि बाघ हमारे बच्चे हैं, किड्स फॉर टाइगर्स, उन्हें हम ये सिखाते हैं बाघ बचाओ भारत बचाओ। पुराने जमानों में तो कहते थे कि जंगल नदी की माँ है, वो टाइगर के बारे में ये भी कहते थे कि टाइगर पट्टेदार पानी का देवता था, वो बोलते थे। आज भी लोग गांव में यही मानते हैं कि ये टाइगर पट्टेदार पानी का देवता है, जहाँ जहाँ टाइगर होगा वहाँ वहाँ पानी होगा। तो टाइगर को क्यों बचाओ, ये नहीं कि भाई टाइगर को हक होता है जीने का और लायन को नहीं होता है, या हाथी को नहीं होता है, या चूहे को नहीं होता है। बात ऐसी है कि अगर टाइगर को बचाएं तो जो बच्चे समझते हैं, मैं अभी 12 साल के बच्चों की बात करता हूँ, वो सीधा समझ जाते हैं बच नहीं पाएगा जब तक जंगल ना बचे। जंगल बचेगा तो जब बारिश गिरती है तो वो बारिश को चूस के नदी को पानी मिलता है। तो कारण ये है कि जब आप बीमार हो जाए तो आपके मुंह में थर्मामीटर डालेंगे देखने के लिए कि आप बीमार हो कि नहीं। अगर जंगल को हमने देखना है कि स्वस्थ है या मरीज है, तो टाइगर है तो आप मानो कि पानी है, अगर टाइगर है तो मानो कि हिरण है। तो इट्स एन इंडिकेटर स्पीशीज, ये कह रहा है लोगों को कि अगर मैं हूं तो मानो कि ये जंगल तंदुरुस्त है। अगर टाइगर एक 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 करके गायब हो गया तो जंगल एक 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 करके गायब हो सकता है। I mean, I was following him because I just liked the tiger, to be honest, and I wanted to make a documentary on a tiger. And the picture behind right now is the first time I saw him in the water looking at me, and I felt like I had a connection. So there wasn't any grand reason for conservation, but this tiger that I was following happened to become controversial, happened to allow me to tell a story that shows you the real ground reality management of a tiger reserve, where you cannot focus just on one individual tiger. There are multiple stakeholders. There's other tigers, there's the villagers, there's the forest staff, there's amount of funding, there's hotels, there's a lot of things that go into managing a tiger reserve. And this documentary allows us to talk about all that and allows us to show tiger reserves in India for what they really are. They're managed wild spaces, they're a lot smaller than people think, and they are compromised. Just on the edge of all these tiger reserves, there are villagers living literally inside or on the edge of critical tiger habitat. And I was forced, and I'm happy I was forced, to show that reality, which is something that traditionally a documentary would not show. You would actually just show it as this pristine area, which is perfect and expansive. But I felt like T24's story allowed me to show the complexity of managing a tiger reserve. And I hope that's helpful for conservation, or at least starts a conversation around it. फिल्म आपने आपको शायद लग रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्री है, बट लेट मी टेल यू, इस डॉक्यूमेंट्री में लव, रोमांस, सेपरेशन, ट्रेजेडी, सारे इतने सारे इमोशंस थे कि मुझे एक वक्त के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ। ऑफ कोर्स एजुकेशनल फैक्टर उसमें ज़रूर था, बट अगर उस्ताद एक इंसान, एक हीरो होता तो लिटरली एक बॉलीवुड मूवी बन सकती है उसके ऊपर। एंड लेट मी टेल यू, मैं अगर उस्ताद को देख रही थी, मुझे सलमान खान याद आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड, सलमान खान के साथ ये होगा, ऐसे होगा। व्हाट अ मूवी, व्हाट अ डॉक्यूमेंट्री दैट यू जस्ट प्रेजेंटेड। एंड आई डिड रीड अबाउट दिस व्हेन दिस वाज यू नो इन द न्यूज, बट कहीं ना कहीं हम जब एक सिटी में रहते हैं ना, इतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। बट जिस तरह से वॉरेन ने दिखाया टाइगर रिजर्वेशन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद T24, आई
थिंक ये बहुत एक अनबायस्ड एक बहुत टचिंग एंड बहुत ही एक आई ओपनर फिल्म रही है. एंड फर्स्टली लेट मी वेलकम यू टू माई कंट्री बिकॉज दिस इज व्हाट माई कंट्री, दिस इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ माई कंट्री. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.